अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जुम्मे रात और चांद के दिन निज़ाम गेट की ओर से दरगाह शरीफ का माहौल बताएंगे, फिर आपको ले चलेंगे ख्वाजा करीम नवाज की ओर गुम्बद की ओर जो शाहजहानी मस्जिद की तरफ है, फिर ले चलेंगे आपको जन्नती दरवाजे की ओर। बहुत ही बढ़िया मंजर है आज का बताएंगे, और आसपास का शाहजहानी मस्जिद की ओर का भी माहौल देखिए, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। फिर ले चलेंगे आपको पायती गेट की साइड जा कवाली भी हो रही है, और काफ़ी मेहमान ज़ियारत के लिए जाते हुए दिखाई देंगे आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी कवाली हो रही है और ज़ियारत के लिए बैठे हैं। ये सामने ख्वाजा गरीब नवाज का आयता नूर है। आसपास का मंजर देखिए, ये बुलंद दरवाजे का माहौल भी दिखाएंगे। जब वज़ू खाना है, वज़ू खाने के आसपास का मंजर देखिए, बहुत ही शानदार हो रखा। ये करबला है, देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। चलो वीडियो में मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सलाम अलैकुम दोस्तों, आज आपको जुम्मे रात यानी कि चांद रात के दिन का नज़ारा आपको बताएंगे दरगाह शरीफ का। देख सकते हैं निज़ाम गेट की ओर काफ़ी अच्छा मंजर है, और जुम्मे रात है। आज शाम को मगरिब के समय के बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, रमज़ान का पहला दिन चालू हो जाएगा। देख सकते हैं जुम्मे रात का दिन है और काफ़ी माहौल अच्छा है। सुबह का समय है और आज 23 तारीख है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है। ये है शाहजहानी मस्जिद की ओर का माहौल, देख सकते हैं। आज जुम्मे रात का माहौल देख सकते हैं आप, रमज़ान चालू होगा तो उस हिसाब से माहौल मंजर कम है, बाकी जुम्मे रात के हिसाब से माहौल अभी बनेगा और काफ़ी मेहमान भी आएंगे। देख सकते हैं ये गुम्बद है ख्वाजा गरीब नवाज के, और आसपास का मंजर भी आपको दिखा रहे हैं। आसपास का मंजर देखिए शाहजहानी मस्जिद की ओर का। आगे की ओर ले चलते हैं आपको, जब बीबी की दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज के। ये फरीदगंज साहब का चिल्ला है, और गुम्बद भी देख सकते हैं। इसी के आगे गाइस आपको जन्नती दरवाज़ा भी दिखाएंगे। 10 नंबर गेट की ओर का माहौल है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है। ज़ियारत करें, मन्नत मांगे, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। देख सकते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया क्लियर दिखाई दे रही है। बीबी साहिबा की दरगाह है, फरीद साहब का चिल्ला है, देख सकते हैं सामने बहुत ही शानदार मंजर हो रखा है, बहुत ही बढ़िया माहौल है दोस्तों। आगे की ओर लेके चलते हैं आपको, ये सामने देख सकते हैं तारागढ़ है ऊपर, और नीचे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, और देख सकते हैं ऊपर का आपको मंजर दिखाते हैं, जितना दिख सकता है वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे की ओर लेके चलते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया मंजर है, देख सकते हैं 10 नंबर गेट की ओर का माहौल है दोस्तों, बहुत शानदार नज़ारा है। ये सामने जो देख रहे हैं गेट, ये 4 नंबर गेट है, जहाँ से ज़ायरीन ज़ियारत करके बाहर आ रहे हैं, और आसपास का मंजर का लुत्फ़ उठाइए, ज़ियारत करें, मन्नत मांगे, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। सामने ये बुलंद दरवाज़ा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया सा ये शाहजहानी मस्जिद की ओर का माहौल है, देख सकते हैं आप। 4 नंबर गेट के आसपास भी काफ़ी मेहमान आ रहे हैं ज़ियारत करके ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार की ओर से, देख सकते हैं। ज़ियारत करें, मन्नत मांगे, ज़रूर कामयाबी आपको हासिल हो, मन्नत पूरी हो, ये देख सकते हैं शानदार ना हो। ये जन्नती दरवाजे की ओर का माहौल है दोस्त, देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है, बहुत ही बढ़िया हो रखा है। काफ़ी मेहमान भी अब देखने को मिल रहे हैं, सुबह का माहौल हो रखा है, देख सकते हैं। आज चांद रात है, फिर कल से रमज़ान स्टार्ट है, और काफ़ी माहौल देख सकते हैं। आज वैसे थोड़ी शांति देखने को मिलेगी, मगर जुम्मे रात के कारण थोड़ा माहौल बना रहेगा, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। ये शाहजहानी मस्जिद की ओर का माहौल देखिए, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। बुलंद दरवाज़ा, आसपास का माहौल देखिए, ज़ियारत करें, तमाम पब्लिक का आना जाना लगा रहता है, हमेशा आपको चहल पहल देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है, देख सकते हैं। ये बुलंद दरवाज़ा है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। ये आपको कवाली की साइड का मंजर भी दिखाते हैं, सामने ये देख सकते हैं दोस्तों, कवाली है, पायती गेट के सामने का मंजर देखिए, और ये 3 नंबर गेट है, यहाँ से भी
काफ़ी मेहमान अंदर जाते हैं, फूल पेश करते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है दोस्तों जुम्मे रात का, यानी कि आज चांद रात भी कह सकते हैं आप। बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है। ये पायती गेट की ओर का मंज़र देखिए, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का गुंबद है, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। ज़ियारत करें, मन्नत मांगे, आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। ये देख सकते हैं शाहजहानी मस्जिद की ओर का माहौल, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। आज 23 तारीख है, दोपहर का समय है, धूप भी खिली खिली है देख सकते हैं, और काफ़ी मेहमान भी है, और चहल पहल का भी अच्छा मंज़र है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है दोस्तों। ये शाहजहानी मस्जिद की ओर का मंज़र देखिए, बहुत ही शानदार मंज़र नज़र आ रहा है। काफ़ी माहौल बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का गुम्बद है सामने दोस्तों। बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है, आज जुमे रात का माहौल है, और देख सकते हैं चांद रात भी है, और मगरिब के बाद पहला रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो देख सकते हो बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। ये 3 नंबर गेट की ओर का माहौल है, देख सकते हो बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। अंदर मेहमान काफ़ी जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, और फूल पेश कर रहे हैं, चद्दर चढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं आप भी ज़ियारत करें। तमाम पब्लिक आ रही है, आप भी आए, और ज़रूर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। मन्नत मांगे, धागा बांधे। ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी दरगाह है जो पूरे हिंदुस्तान विश्व में विख्यात है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मंज़र है, देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको पायती गेट के साइड का भी मंज़र ले जाते हैं, जहाँ पे कवाली हो रही है। ये 3 नंबर गेट है, इसका मंज़र अभी बताया था, अभी पब्लिक अंदर जा चुकी है, कुछ आ रही है, मेहमान आ रहे हैं धीरे धीरे। और आज माहौल थोड़ा सा शांतिपूर्ण लग रहा है, मगर जुम्मे रात के कारण माहौल बना रहेगा, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार माहौल है। ये कवाली की साइड का मंज़र है, अब आपको कवाली की साइड लेके चलते हैं, तो वहाँ का भी मंज़र दिखाते हैं आपको। गुंबद देखिए, आस्ताना शरीफ पायती गेट की ओर से आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मंजर है। ये देख सकते हो सामने ख्वाजा गरीब नवाज का गुंबद है गाइस, और पास में आस्ताना शरीफ से होते हुए आयते नूर की ओर चलेंगे, वहाँ का भी मंज़र बताते हैं आपको। आसपास का मंज़र देखिए, तमाम भीड़ है आज, शानदार माहौल हो रखा है। जुम्मे रात है, जिसे चांद रात भी कह सकते हैं आप, और काफ़ी बढ़िया माहौल हो रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है, सामने गुंबद नज़र ही दे रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का, देख सकते हैं आप। तमाम भीड़ है आज भी, ज़ियारत करें, ख्वाजा हुजूर के दरबार में पेश हुए, मन्नत मांगे। बहुत ही बढ़िया मंज़र हो रखा है, देख सकते, तमाम भीड़ है आज भी। बाकी और दिनों की तुलना में भीड़ का नज़ारा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने पर है, तो भी जितना हो सकता है माहौल आपको आज का पेश करेंगे। ये चलते हैं आयता नूर की ओर, देख सकते हैं वहाँ का मंज़र आपको क्या शानदार दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बढ़िया माहौल है। और नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है। आज जुम्मे रात का दिन है, चांद का दिन है, ज़ियारत करें, मन्नत मांगे।
बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। देख सकते हैं धूप खिली खिली है। ज़ियारत करें, ये देख सकते हैं सामने मंजर आयता नूर का। ज़ियारत करें, मन्नत मांगे। जुम्मे रात का दिन है और शानदार माहौल हो रखा है। देख सकते हैं आज 23 तारीख है, मार्च का महीना है। देख सकते हैं तमाम भीड़ है और हमेशा आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि चैनल पर कम है। जुम्मे रात और जुम्मे को तो हमेशा आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी रमज़ान का फ़र्क तो पड़ता ही है। रमज़ान एक महीने अभी थोड़ा सा शांति रहता है, बाकी चैनल पर तो देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार माहौल हो रहा है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मंजर है। ज़ियारत करें, इबादत करें। ख्वाजा गरीब नवाज की ये मज़ार है अंदर, और ज़ियारत करें, मन्नत मांगे ज़रूर। माशाल्लाह आपकी कामयाबी आपको हासिल हो, मन्नत पूरी होगी। ज़रूर अजमेर आए तो यहाँ धागा बांधे, चद्दर चढ़ाए, फूल पेश करें। देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है। वो ये जो पेड़ देख रखे हैं, यहाँ पे बच्चे तुलते हैं जिनकी मन्नत पूरी होती है इस पेड़ के पास में दोस्तों। देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार माहौल है। आज जुम्मे रात का दिन है, देख सकते हैं काफ़ी मेहमान जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। अभी दोपहर का समय हो रखा है और थोड़ा भीड़ का आलम भी बनेगा, मगर और दिनों की तुलना में कम रहेगा। ये देख सकते हैं सब इबादत में बैठे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के। आसपास का मंज़र देख सकते हैं, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है दोस्तों। फूल पेश करे, वज़ू खाना है। ये बीबी साहब की दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज के। देख सकते हैं आसपास का मंज़र देखिए। ख़रीदने के भी काफ़ी दुकानें हैं अंदर, आप कुछ भी खरीद सकते हैं चढ़ाने के हिसाब से। ये देख सकते हैं सामने बुलंद दरवाज़ा, इसी के पास में ये वज़ू खाना है। ये अंदर से आ गए, बाहर की ओर चल रहे हैं दोस्तों। देख सकते हो बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है, खिली खिली धूप है। और बुलंद दरवाजे के आसपास का मंज़र देखिए। आसपास में ये बड़ी देख छोटी देख का भी मंज़र दिखा रहे हैं आपको, जो बादशाह अकबर के द्वारा बनाई गई थी। देखिए आज जुम्मे रात का दिन है, 23 तारीख मार्च है, आज चांद का दिन है और शाम से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो भी आपको जितना हो सकता है रोज़ आपको महल पेश करेंगे दरगाह शरीफ का। देख सकते बहुत ही शानदार नज़ारा है देख का। ये बड़ी देख है दोस्तों, इसी के सामने ये छोटी देख है। इसमें 400-800 मन के हिसाब से प्रसाद बनता है, ख्वाजा गरीब नवाज के चढ़ता है और फिर तमाम पब्लिक चायरिनों मेहमानों में आपस में बढ़ता है। देख सकते हैं गुंबद यहाँ से भी आपको दिखा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज का। इसी के ऊपर तारागढ़ दिख रहा है, ये वहाँ पे भी कभी आपको ले चलेंगे, वहाँ का भी मंज़र दिखाएंगे। बहुत शानदार मंज़र है दोस्तों, देख सकते हैं बड़ी देख है ये। आसपास का मंज़र देखिए, बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है, बहुत ही बढ़िया मंज़र हो रखा है दोस्तों। गज़ब का माहौल है, जुम्मे रात का दिन है और देख सकते हैं तमाम भीड़ है। बाकी और दिनों की तुलना में भीड़ कम देखने को मिलेगी, मगर है आज क्योंकि जुम्मे रात का दिन है और जुम्मे रात तो जुम्मे को तो भीड़ रहती है। देख सकते हैं ये निज़ाम गेट की ओर का माहौल, देख सकते हैं काफ़ी यकीनमंद मेहमान खड़े हैं फूल पेश के लिए, अंदर की ओर जा रहे हैं, ज़ियारत करने की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं आसपास का मंज़र दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही शानदार मंज़र हो रखा है दोस्तों। देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया मंज़र है। आसपास का मंज़र देखिए, और इसी के आगे अकबरी मस्जिद बनती पड़ती है जो बादशाह अकबर के द्वारा बनाई गई थी। आसपास का मंज़र देखिए, बहुत ही शानदार। ये दो नंबर गेट है दोस्तों बाहर से आने जाने का, इसी के सामने अकबरी मस्जिद है। ये अकबरी मस्जिद है दोस्तों, देख सकते हैं बादशाह अकबर के द्वारा बनाई गई थी। करीबन 500-600 साल पुराना है ये मस्जिद। ये निज़ाम गेट की ओर का माहौल देखिए, जो पब्लिक आ रही है, ये पहला गेट कहलाता है निज़ाम गेट की ओर से। फिर और भी है आने जाने के रास्ते, मगर पहला गेट यही है। फिर इसी के आगे ये बुलंद दरवाज़ा पड़ता है, दो नंबर गेट अकबरी मस्जिद के पास में। देख सकते हैं मेहमानों की चहल पहल है और तमाम मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, फूल पेश कर रहे हैं, चद्दर चढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल है, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है आज जुम्मे रात के दिन। देख सकते हैं ये निज़ाम गेट की ओर, बाहर जो दिल्ली गेट है
वाघा मंजर देखे। तमाम भीड़ है जो ये पहला गेट कहलाता है निज़ाम गेट, वाघा मंजर दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही शानदार माहौल हो रखा है। चद्दर चढ़ती है, फूल पेश होते हैं, काफ़ी शानदार लुहावना मंजर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और एक ही और दोस्तों आपको करबले की ओर लेके चलते हैं। ये करबला है ख्वाजा करीम नवाज का, जहाँ टोने टोटको का निवारण किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।